कोई सवाल हो जल्दी छेदी छेदी प्यारे बच्चों। आमिश का सवाल है सर, व्हाट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय द ऑडिटर ड्यूरिंग इन्वेंटरी काउंट। इसमें टीओसी वाले लिखने हैं। देखें, अगर उसने स्पेसिफिकली आपको मेंशन कर दिया है ना कि इन्वेंटरी काउंट के ऊपर मुझे ऑडिट प्रोसीजर्स बताएं, तो आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स वाले मेंशन करिएगा। टेस्ट ऑफ डिटेल से पहले आप थोड़ा बहुत जेनेरिक लिख दीजिएगा, जी मैं कुछ कंट्रोल्स को भी टेस्ट करूंगा, लेकिन आपका फोकस टेस्ट ऑफ डिटेल्स के ऊपर होगा, अनलेस वो आपसे पूछे कि भाई मुझे क्या कंट्रोल्स टेस्ट करना। ये जनरल सेशन ही, अब्दुल समी तो कुछ भी पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों, कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्लियर हो बेटा आमिश? कोई और सवाल बच्चों? जल्दी जल्दी बच्चों, टाइम नहीं, टाइम आपका कीमती है, मेरा मसला नहीं है। देखिए आमिश, इन्वेंटरी काउंट के वक्त मेरे पास दो प्रोसीजर होते हैं, मेरे पास एक टीओसीज होते हैं और एक टीओडीज होते हैं। टीओडी बेसिकली रिकाउंटिंग होती है, सही है। रिकाउंटिंग से पहले मैं जिस पूरे मैनेजमेंट के प्रोसेस को जो मैं ऑब्जर्व करता हूं, मैनेजमेंट के कंट्रोल्स को देखता हूं, ये टीओसीज कहलाते हैं। इन्वेंट्री काउंट के वक्त मैं बेसिकली सिर्फ रिकाउंट करता हूं इन्वेंट्री को। रिकाउंट करते हुए मैं इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस भी देख रहा होता हूं कि कहीं वो खराब कंडीशन में तो नहीं है, और मैं कुछ आखिरी के GDN और GRN वगैरह ऑप्टेन कर लेता हूँ। ये कुछ प्रोसीजर्स है जो मैं TODs के फेस पे करता हूँ। समझ आया मेरे भाई? कोई और सवाल बच्चों? जल्दी छेदी छेदी, आपका टाइम कीमती है। जी बिल्कुल फातिमा, देखें अगर मैं एंगेजमेंट लेटर में अगर किसी भी किस्म का चेंज करवाता हूं, अगर मैं एंगेजमेंट लेटर में किसी भी किस्म का चेंज करवाता हूं, और इसलिए चेंज करवाता हूं जो आपने रीजन बताया कि जी स्कोप ऑफ ऑडिट चेंज करते हैं, अब हम स्कोप ऑफ ऑडिट नहीं करते बल्कि स्कोप इसका चेंज करके किस पे लेके आ जाते हैं? रिव्यू पे लेके आ जाते हैं। जब भी मैनेजमेंट आपसे ऐसी बात कहेगी, आप देखेंगे कि मैनेजमेंट ये चेंज करवाने जा रही है, मैनेजमेंट ये जो चेंज करवाने जा रही है क्या ये रीजनेबल या जस्टिफाइबल है कि नहीं है? सबसे पहला काम आपने ये देखो, अगर तो आपको रीजनेबल जस्टिफाइबल लग रहा है, यस लग रहा है, तो फिर आप एंगेजमेंट लेटर के टर्म्स को चेंज कर देंगी। बट अगर आपको जस्टिफाइबल नहीं लग रहा, तो इट मीन्स अब आप चेंज नहीं करेंगे। जब आप चेंज नहीं करेंगे तो आप कहेंगे भाई मैं तो ऑडिट ही करूंगा, सही है, और ऑडिट के हिसाब से मुझे कंफर्मेशन भी भेजनी, ऑडिट के हिसाब से मुझे इंस्पेक्शन भी करनी, ऑडिट के हिसाब से मुझे फॉर एग्जांपल रीपरफॉर्मेंस भी करनी, मतलब सारे प्रोसीजर परफॉर्म करने। क्लियर है? टैक्स कंटिंजेंसी ईओएमपी में आएगा कि ओएमपी में? इसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मैं वापस से डिस्कस कर लेता हूं प्यारे बच्चों, कोई मसला नहीं है। जब भी टैक्स कंटिजेंसी होगी आपने ये देखना है कि क्या ये आपकी एक मटेरियल सिग्निफिकेंट टैक्स कंटिजेंसी है। अगर आपके पास ये मटेरियल सिग्निफिकेंट टैक्स कंटिजेंसी, सही है, बहुत बड़ी टैक्स, आपने देखना होगा आपकी कंपनी कौन सी है, क्या आपकी कंपनी लिस्टेड है, अगर आप लिस्टेड होंगे या नहीं होंगे। अगर आप लिस्टेड है, इस मैटर को आप की ऑडिट मैटर में कम्युनिकेट करेंगे, लिस्टेड नहीं है तो ये मैटर इंफोसिव मैटर पैराग्राफ में कम्युनिकेट होगा, प्रोवाइडेड दैट
प्रोवाइडेड दैट कि जो टैक्स कंटिजेंसी है इसको मैनेजमेंट ने IAS 37 के हिसाब से एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर दिया हो। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा सर, ये कैसे पता चलेगा कि कोई ऐसा कोई भी मैटर हमारे पास स्कैम होगा या इम्फेसिस होगा? सर ये सवाल है ना। देखिए इम्फेसिस के ऊपर आयजा कौन सा है? इम्फेसिस के ऊपर आयजा है आपका IAS 706। स्कैम के ऊपर आपका आयजा कौन सा है? IAS 701। जब भी कोई मैटर होगा प्यारे बच्चों, खुदा का वास्ता है हमेशा ये देखिएगा कि सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आपने कैम को देनी होगी कि क्या ये मैटर कैम की डेफिनेशन पूरी कर रहा है। क्या ये अगर तो ये मैटर कैम की डेफिनेशन पूरी कर रहा है। कैम की डेफिनेशन क्या थी? कैम की डेफिनेशन थी मैटर्स कम्युनिकेटेड टू दोस चार्ज विद गवर्नेंस। दूसरा था मैटर्स दैट रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स अटेंशन। और तीसरा था मोस्ट सिग्निफिकेंट। अगर वो क्राइटेरिया इनका ये पूरा कर रहा है तो फिर आप कैम में कम्युनिकेट करेंगे, इस तरफ इसको आप देखेंगे भी नहीं। मॉस शेप क्लियर हो बेटा? चले आमिश में वो देख लूंगा प्यारे बच्चे, वो मैं देख लूंगा। तो सबसे पहले आपने इस चीज को देखना होगा कि ये कैम है कि नहीं है, ठीक है जी। और कोई सवाल मेरे प्यारे बच्चों? तैयारी सेट चल रही है? अच्छा हाउ टू जज इस वाले सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं तुझसे मी? इस वाले सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं? अच्छा इसके लिए आयजा ने गाइडेंस दी। आयजा ने कहा सबसे पहले देखें क्या वो आयजा 315 के हिसाब से सिग्निफिकेंट रिस्क का हमें मजीद क्राइटेरिया पता है। अगर उसमें एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो, अगर उसमें फ्रॉड हो, अगर वो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो, अगर उसमें रिलेटेड पार्टी हो, क्लियर हो गया जी। या वो ड्यूरिंग द ईयर कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है, अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है, या एक ऐसा मैटर जिसके अंदर हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज हो, अगर इनमें से कोई क्राइटेरिया पूरा करता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये मैटर सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स कंसिडरेशन होगा। अच्छा इनटेंजिबल से रिलेटेड मेरे प्यारे बच्चों, जो IAS 38 की कंडीशन है, देखिए IAS 38 आपसे दो चीजें कहता है ना। IAS 38 कहता है भाई सबसे पहले आप ये देख लें कि आपने ये देखना है कि क्या वो टेक्निकली एंड फाइनेंशियली फिजिबल है। और इसके उसने कुछ IAS 38 ने 4-5 क्राइटेरिया बताया, टेक्निकली फाइनेंशियली वायबल हो, फ्यूचर कैश फ्लोज हमारे पास आए, सही है, हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल हो, हम उससे कैश फ्लो जनरेट कर सकें। अगर ये क्राइटेरिया पूरा हो जाता है तो इसका मतलब है कि IAS 38 के हिसाब से ये मेरा डेवलपमेंट फेज में दाखिल हो चुका है। और जब एक चीज डेवलपमेंट फेज में दाखिल हो चुकी है तो इट मीन्स अब ये क्या होगी? कैपिटलाइज्ड। तो एज एन ऑडिटर सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये कंडीशंस पूरी हो गई है, और इन कंडीशंस को वेरीफाई करने का एक प्रोसीजर होता है जो मैं कहता हूँ, इंस्पेक्ट द टेक्निकल एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट टू असेस वेदर द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हैड बीन मेट। इस डेट के बाद के जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे प्यारे बच्चों वो सारे के सारे कैपिटलाइज्ड होंगे, ऐसा ही है प्यारे बच्चों। और इससे पहले के जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो सारे के सारे आपके PNL में जाएंगे बच्चों। डन हो गया? अगला प्रोसीजर क्या होगा? आप मैनेजमेंट से कहोगे मुझे डेवलपमेंट फेज का रजिस्टर दे दो, इसमें से कुछ आप सैंपल सेलेक्ट करेंगे। सैंपल सेलेक्ट करने के बाद आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, सच एस इनवॉइस। इनवॉइस में आप डेट देखेंगे, क्यों कि क्या वो इस डेट के बाद का एक्सपेंडिचर है, ये देख लेंगे। फिर इसके बाद आप देखेंगे अमाउंट,
ताकि आपको पता चले सही अमाउंट पे रिकॉर्ड हुआ है। फिर आप देखेंगे हमारी कंपनी का नाम, ये एक्सपेंडिचर आपने इनकट करा है, आपका नाम आ रहा है। अच्छा ब्रेन, अगर एक्सपेक्टेशन गैप में आपको बताऊं, देखें एक्सपेक्टेशन गैप, ये गैप आएगा किनके बीच में, ये शेयर होल्डर और ऑडिटर के दरमियान एक्सपेक्टेशन गैप है। ऑडिटर ऑडिट करता है आइजा के हिसाब से, तो जो आइजा बोलता है वो ऑडिटर वो काम करता है। शेयर होल्डर जब ऑडिटर को अपॉइंट करता है तो वो ये अज्यूम करता है कि शेयर होल्डर फ्रॉड को प्रिवेंट करेगा, डिटेक्ट करेगा, करेक्ट करेगा। बताएं क्या ये मेरी जिम्मेदारी है आइजा के हिसाब से, क्या ये मेरी जिम्मेदारी है? नहीं। शेयर होल्डर समझता है कि मैं इंटरनल कंट्रोल के ऊपर भी ओपिनियन दूंगा, क्या आइजा के हिसाब से मुझे इंटरनल कंट्रोल के ऊपर ओपिनियन देनी है? शेयर होल्डर समझता है कि मैं 100% ट्रांजेक्शन को टेस्ट करूंगा, क्या मैं 100% ट्रांजेक्शन टेस्ट करता हूँ? प्यारे बच्चों, ये जो शेयर होल्डर समझ रहा है, जो उसकी एक्सपेक्टेशन है और जो एक्चुअल में आप काम कर रहे हो, तो ये एक्सपेक्टेशन गैप कहलाता है। अच्छा आमिश, आपका जो सवाल था, देखे एक चीज हमेशा याद रखिएगा, 31 मार्च 2018 आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी। अगर आपने ये सुन ली, सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी। वंस यू साइन द ऑडिट रिपोर्ट, 30 मई तक, मतलब 60 दिन तक, 60 डेज के अंदर आपने क्या करनी है, अपनी ऑडिट फाइल को क्या करनी है बच्चों, जल्दी से बता दें, आर्काइव करनी है, सही है? अच्छा इसका मतलब है, इसका मतलब है एक चीज तो बड़ी कॉन्स्टेंट है, आर्काइवल के बाद कोई चेंजेस नहीं होंगी। आर्काइवल के बाद तो आप कोई चेंजेस कर, भाई आपने फाइल आर्काइव कर दी, इसका मतलब आप कोई चेंज कर ही नहीं सकते ना। आप 31 मार्च 2018 से लेके 30 मई 2018 के दरमियान आप क्या कर सकते हो, इस दौरान क्या कोई मैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता हूँ? जल्दी, क्या कोई ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकता हूं? सर ये तो सारे काम आपने ऑडिट रिपोर्ट को या उससे पहले करने, तभी तो आपने रिपोर्ट साइन करी है। सर ये काम मैं नहीं कर सकता, प्यारे बच्चों ये काम मैं नहीं कर सकता। तो इस दौरान से लेके इस दौरान मैं क्या काम कर सकता हूं, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल वर्किंग पेपर की फॉर्मेटिंग थोड़ी सी मैंने ठीक कर दी, सही है, वर्किंग पेपर को थोड़ा सा अलाइंड कर दिया, साइन ऑफ प्रिपेयरर रिव्यूअर ये चीजें मैंने कुछ सही कर दी, आप समझ रहे हैं, मेरे ऑडिट प्रोसीजर पहले ही परफॉर्म हो चुके हैं, मैं इसमें ये काम नहीं कर सकता, एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर सकता हूं। वंस द फाइल इज आर्काइव, जब फाइल आर्काइव हो जाती है तो आर्काइविंग का कॉन्सेप्ट क्या है, कल को आईकैप आएगा और आईकैप आपसे कहेगा मुझे ये वाली फाइल चाहिए, वो डायरेक्ट मेरे सिस्टम से ये फाइल उठा लेगा, रादर देन के मैं उसको बोलूं अच्छा वेट करो 10 दिन दो 15 दिन दो और मैं बैठ के फाइल सेव कर रहा हूं, नहीं, वो डायरेक्ट। डेलॉइट क्या करता था, हमारा एक सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर होता था, जहां हमने फाइल आर्काइव कर दी, डेलॉइट हमें कहता था ये वाली फाइल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं और ये वाली फाइल मैं रिव्यू कर रहा हूं, तो वो डायरेक्ट सिस्टम से फाइल उठा लेते थे, क्यों? बिकॉज द फाइल इज आर्काइव। जब सिस्टम में फाइल आर्काइव कर देते, डेलॉइट का सिस्टम होता था कि 31 मई 2018 को मैं फाइल में एक छोटी सी चेंजेस भी नहीं कर सकता था, फाइल लॉक्ड हो गई है। नाउ वंस द फाइल इज लॉक्ड, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ इसकी एक एक्सेप्शन है, जल्दी से बता दें, एक्सेप्शन का पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है, आइजा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट। अगर ऑडिट रिपोर्ट के बाद, अगर ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद कोई इवेंट होता है, तो इसका मतलब है आप तो वहां पे लिखते थे कैरी आउट नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर, तो अब आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो, न्यू ऑडिट एविडेंस भी लिख सकते हो, तो उन सारी चीजों को आपने फाइल में प्यारे बच्चों डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। ध्यान हो गया यहां तक? ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है अब्दुल्ला, लेकिन फिर भी बता देता हूं, अगर आइजा और पीएसए का मतलब पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो कि है नहीं, लेकिन अगर आइजा और पीएसए में अगर कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है प्यारे बच्चों, आपको, आप ऑडिटर हो, स्टैंडर्ड कहता है आपके ऊपर है आपने क्या करना है, अगर आप पाकिस्तान स्टैंडर्ड ऑडिटर से कंप्लाई करते हो तो आप इससे कंप्लाई करो, फिर आप रिपोर्ट में क्या लिखोगे, रिपोर्ट में लिखोगे वी हैव conducted our audit in accordance with PSA. अब आप आइजा का डन हो गया मेरे भाई,
आमिश एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ये होता है कि आपने वर्किंग पेपर में साइन ऑफ लगा दिया है, एक ऑडिट प्रोसीजर आप परफॉर्म कर चुके हो, उसमें आपने वर्किंग पेपर को थोड़ा चेंज कर दिया, कंक्लूजन फेज आपने सही कर लिया, साइन ऑफ प्रिपेयर के साइन ऑफ लगा दिए, उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह सही कर दी, ये काम आप कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कम कर सकते हो जो कि आपके सारा किताब में और एज में डिफाइंड। ठीक हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और इसके अलावा कोई और सवाल? दानियाल, फातिमा, अब्दुल्ला, ऑडिटर दानियाल, इस केस में ऑडिटर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि अपनी गोइंग कंसर्न असेसमेंट को एक्सटेंड कर दे 15 मंथ्स पर। अगर मैनेजमेंट मना करती है, अगर मैनेजमेंट डिक्लाइन कर देती है, तो इसका मतलब है कि ऑडिटर को पता ही नहीं है कि कंपनी गोइंग कंसर्न है कि नहीं। और जब ऑडिटर को यही नहीं पता, बिकॉज मैनेजमेंट ने जब अपनी असेसमेंट ही नहीं करी, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्कोप लिमिटेशन। कंफर्मेशन हमेशा हमेशा रिपोर्टिंग डेट पे होगी भाई, कंफर्मेशन हमेशा। अगर आप 30 जून 2022 का ऑडिट कर रहे हैं, आप कंफर्मेशन जून 22 के बाद भिजवा दें, आप जुलाई में भिजवा दें, लेकिन आप उससे कहोगे क्या, बैंक से कहोगे कि मुझे बैलेंस कंफर्म करके दो एज एट 30 जून 2022। डैनियल आप क्लियर हो? अब्दुल्ला आपके सवाल का भी जवाब दे दिया। नहीं बिल्कुल भी नहीं ब्रांड, बिल्कुल भी नहीं। आमिश ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, आपकी ओपिनियन हमेशा सेम रहती है। आपकी ओपिनियन ऐसा नहीं है कि अगर कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है तो आप क्वालिफाई करोगे, और अगर अनलिस्टेड है तो आप अनमॉडिफाइड। ये कहां से बातें लेके आ रहे हैं यार आप? हाँ एटलीस्ट 12 मंथ की चाहिए ना, एटलीस्ट कवर टिका है ना, एटलीस्ट मतलब कम से कम 12 महीने, ज्यादा से ज्यादा तो नहीं पता है ना, तो ज्यादा ज्यादा तो फिर जजमेंटल है। और अगर आपको कोई इवेंट पता चल रहा है कि 15 मंथ्स पे हो रहा है, तो आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करोगे कि चलो बेटा 15 मिनट 15 महीने पे लेके जाओ उसको। क्लियर हो प्यारे बच्चों यहां तक? करवा देंगे पोर्टल पे भी अपलोड, यार क्या मसला है जानी, हुक्म करें आप। यार ये सवाल दानियल ने अच्छा किया है कि अगर फॉर एग्जांपल पेपर में सवाल ये आ जाए कि अगर एक जूनियर है और उसने गलत ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करें, जो हमने मॉक वगैरह में भी देखे हैं और ये सवाल भी जो हमने करें, अगर जूनियर ने कोई गलत ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करें, इसको ड्राफ्ट कैसे करें? देखें ड्राफ्ट करने के लिए वही बाइबल को सामने रखना पड़ेगा आपने। सबसे पहले आप ये देखें कि वो प्रोसीजर्स कर किसके ऊपर है, लेट्स से इन्वेंट्री के ऊपर, ये आपकी बाइबल हो गई। इन्वेंट्री में एग्जिस्टेंस है, कंप्लीटनेस है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है, वैल्यूएशन है। लेट्स से वो प्रोसीजर कर रहे हैं वैल्यूएशन के ऊपर, ठीक है, इट मीन्स आपकी बाइबल ये है। इसमें सिंपल सी चीज है, इसमें सिंपल सी चीज है, होना क्या चाहिए और हुआ क्या है, बस इन दोनों के ऊपर अगर आपने कमेंट कर दिया, इन दोनों के ऊपर अगर आपने कमेंट कर दिया, तो आपका आंसर ड्राफ्ट हो जाएगा। बस मैं अगर अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका इसका आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं,
सवाल में लिखा हुआ आता है कि फॉर एग्जांपल जूनियर ने इन्वेंट्री काउंट किया या इन्वेंट्री रीकाउंट किया और उसने ये कहा कि जी चूंकि इन्वेंट्री सही है तो वैल्यूएशन की एजर्शन वेरीफाई होगी, ऐसा ही है दानियल? कमेंट ऑन दी सजेशन, कमेंट ऑन दी प्रोसीजर परफॉर्म बाय। तो आपने सबसे पहले ये पकड़ लिया कि भाई जूनियर ने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया, आप कहोगे भाई हाँ इन्वेंट्री को रीकाउंट करने से या उसको चेक करने से एग्जिस्टेंस भी वेरीफाई होती है, वैल्यूएशन पार्शियली वेरीफाई होती है, कंप्लीटली वेरीफाई नहीं होती। इसके लिए ऑडिटर को, इसके लिए जूनियर को ये कुछ प्रोसीजर भी परफॉर्म करने होंगे, लेट्स से मैनेजमेंट का प्रोसेस समझना होगा, एजम्पशन की रीजनेबलनेस, सब्सिक्वेंट इवेंट के प्रोसीजर। क्लियर हम सारे यहां तक? उमर आज रात बैठूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक हाईलाइट करूंगा, कल इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, मंडे को आपकी खिदमत में हाजिर होगी वीडियो। अब्दुल समी इसके ऊपर भी एक वीडियो बना लूंगा, टेंशन ना लें। हाउ टू रिवाइज ऑडिट है, हाउ टू डू ऑडिट, हाउ टू पास सीए इन टू डेज, इसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगी। यार कोड ऑफ एथिक्स के आंसर की ड्राफ्टिंग तो सबसे आसान है अब्दुल्ला, कोड ऑफ एथिक्स के आंसर की तो सबसे पहले आपने, हमने क्लास में कितनी प्रैक्टिस करी है, सबसे पहले सिनेरियो पिक करना है कि भाई ये लोन्स एंड गारंटी है, उसके बाद सब सिनेरियो कि लोन्स और गारंटी किसने लिया है, एंगेजमेंट टीम ने लिया है, फर्म ने लिया है या उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर ने लिया, फिर उसके बाद तीसरी चीज थ्रेट्स क्या है, आपने कह दिया सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, चौथी चीज थ्रेट की सिग्निफिकेंस क्या है, अगर सिग्निफिकेंस डिफाइंड है तो आप सिग्निफिकेंस बता दें, और आखिरी चीज सेफगार्ड। ये पांच ही तो स्टेप्स है, सारे सबका आंसर एक जैसा ही है भाई, ये बाइबल है ना, इसको सामने रखें, ये स्टेप्स हैं आपके, ये फॉलो करें। बच्चों याद है, क्लियर हो? बच्चों याद है, क्लियर है हम लोग? ये तो फैमिली थ्रेट होगा तो लिखता है ना यार, आप जो मेरी किताब है उसमें आप देख ले क्या थ्रेट्स आ रहे हैं, आप क्यों 10 किताबों में घुस रहे हैं यार, तो भी कंफ्यूज ही रहेंगे ना भाई, और थोड़ी सी अपनी दिमाग लगाएं यार कि फैमिली थ्रेट है भी कि नहीं, जो किताब से आपने पढ़ा है, पूरा लेक्चर लिया है कोड ऑफ एथिक्स का, तो आप वहां से देखें यार कि वहां पे क्या थ्रेट लिखे हुए मैंने। जी अब्दुल समी ज्यादा वैल्यूएशन होती है, बट जरूरी नहीं कि हर रिस्क में वैल्यूएशन हो, इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास पड़ी हुई है, वैल्यूएशन का रिस्क नहीं है, एग्जिस्टेंस और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का रिस्क है। नहीं नहीं उमर गलत बात कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो, कैम और ईओएमपी के बीच में अगर आपने डिफरेंस करना है तो वो मटेरियल नहीं है, बिकॉज मटेरियल तो दोनों के लिए कॉन्सेप्ट है। देखें यहाँ पे भी फंडामेंटल की बात करता है, कैम भी मटेरियलिटी डिफरेंस नहीं होगा, आपने देखना होगा क्या ये कैम की डेफिनेशन पूरी करता है, मतलब क्या आपको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने में मुश्किल पेश आ रही है, क्या आपको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने में मुश्किल पेश आ रही है, ये क्राइटेरिया नहीं कि मटेरियल है तो कैम कर देंगे, मटेरियल नहीं है तो ईओएमपी देंगे, ये गलत कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, अगर वो नॉलेजेबल है तो।
देखें दानिश, ये जो एनालिटिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, जिसमें इनकंसिस्टेंसी हो, इसमें हमेशा याद रखिएगा, इसमें हमेशा याद रखिएगा, इसकी ड्राफ्टिंग हमेशा आप इस तरीके से करिएगा। कि आप सबसे पहले सवाल में जो दिया हुआ है ना, उसका प्लॉजिबल रिलेशनशिप ढूंढिएगा, उसका प्लॉजिबल रिलेशनशिप ढूंढिएगा। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि अगर सवाल में उसने सेल्स के ऊपर आपको कुछ लिख के दिया है, तो सेल्स का प्लॉजिबल रिलेशनशिप किसके साथ बनता है, उसको देखिएगा। सही समझ आ रही है बात? और इसके आंसर को ड्राफ्ट करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप हमेशा ये बोले कि जी, फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे ये इंफॉर्मेशन दी हुई है और ये इंफॉर्मेशन या तो इनकम्प्लीट है या इनकंसिस्टेंट है, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, और वो रीजन आपने मेंशन कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स बढ़ी 10% से, कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ रही है 2% से, क्या कोई मसला है इसमें? क्या कोई मसला है इसमें? सेल्स आपके 10% से बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स 2% से बढ़ रही है, प्यारे बच्चों, कोई मसला है? बस जो मसला है आप लिख दें, आपने कहा सेल्स इंक्रीज्ड बाय 10%, हाउएवर कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज्ड बाय 2% ओनली, देयरफॉर देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी, देयरफॉर देयर इज एन अनएक्सप्लेन्ड फ्लक्चुएशन। व्हाई? व्हाई? बिकॉज देयर इज अ प्लॉजिबल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड सेल्स, एंड एज पर द प्लॉजिबल रिलेशन कॉस्ट ऑफ सेल्स शुड हैव बीन इंक्रीज, देयरफॉर, अगर अब आपसे रिस्क पूछ ले तो आपके, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। डन हो गया मेरे भाई? तो सवाल में लिखा हुआ है पहले वो लिखते हैं कुछ, ये अच्छे अच्छे वर्ड, इनकंसिस्टेंसी, प्लॉजिबल रिलेशनशिप, ये लिखते हैं और फिर उसके बाद बताते हैं। यार जाहिर सी बात है ना यार, यूनिलीवर का जब पहला साल था, यूनिलीवर का पहला साल था, 100 रुपए की सेल करती थी और 10% सेल्स रिटर्न होते थे, 10% उसकी सेल्स रिटर्न हो जाती थी। अब यूनिलीवर 10 बिलियन की सेल कर रहा है, प्यारे बच्चों, अभी 100 रुपए की तो सेल्स रिटर्न नहीं होगी ना यार। आमिश, मतलब क्या सवाल पूछ रहे हैं यार, तो मैथ्स का सवाल है ना। तब 10 अरब रुपए का 10% सेल्स रिटर्न होगा, बिल्कुल उमर, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी एडिशनल प्रोसेस ने आपको प्रोवाइड कर दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सब्सिक्वेंट टेन एफएस नहीं है तो बजट देख लिया, ट्रायल बैलेंस देख लिया, फसी। ये सीफैप का सवाल है, ये आइजा 720 अदर इंफॉर्मेशन का सवाल है, ये हमारे कैफ में सिलेबस का पार्ट नहीं है। आप कैफ के स्टूडेंट हो? फंसी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो परेशान ना हो इस चीज को। जबरदस्त मेरे बच्चा, जबरदस्त। और इसके अलावा तैयारी कैसी चल रही है ये बताएं। जबरदस्त प्यारे बच्चों, बस प्रैक्टिस करते रहें, जो किताब है उसको रेफर करते रहें, जितना हो सके ऑडिट को लिखते रहें, इंशाल्लाह पेपर पास कर लेंगे, आप परेशान ना हो, और कॉन्सेप्ट डिलीवर करके आइएगा पेपर। जी डिस्क्लेमर होगा आमिश, बिल्कुल बिल्कुल डिस्क्लेमर होगा। चले बच्चों, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
अब्दुल रफी, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फातिमा रिटर्न रिप्रेजेंट कभी भी अलोन सफिशिएंट एफर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता, अगर अगर मगर कुछ नहीं, बस ये स्टेटमेंट याद रखें, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, अगर मगर कुछ नहीं कि वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास है या आई मीन हाउ इट इज पॉसिबल दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट के पास और मैनेजमेंट बोले कि ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इसलिए नहीं दे सकती बिकॉज मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर तुमने एफएस कैसे बना लिया भाई, तो तुम्हारे एफएस में एक चीज आ रही है वो कैसे बना ली? बिल्कुल पूछ सकता है उमर, बिल्कुल पूछ सकता है। यार वो किताब में है तो सारे उमर, डन हो गया प्यारे बच्चों, चले अपना बेहद ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, और कोई भी हम इंशाल्लाह एक क्यूरियस सेशन रखते रहेंगे और कोशिश करेंगे जो भी क्वेरीज वगैरह वो इंशाल्लाह आपके रिजॉल्व हो, लेकिन कोई क्वेरी हो भी तो आप काइंडली आगे बढ़िएगा, सही है, उसको उसको होल्ड करके आप आगे बढ़िए। चले बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज। जी अब्दुल राफे, आपको कोई सवाल है? सॉरी राफे साहब, आपको कोई सवाल है? ये इंसेंटिव और प्रेशर होगा ना, ये इंसेंटिव और प्रेशर होगा, देखिए पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड तब होगा अब्दुल राफे जब कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो जाएगी, अगर सवाल में कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है तो फिर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड नहीं है ना। मुझसे आप सवाल शेयर कर लीजिएगा अब्दुल राफे, मुझसे आप सवाल शेयर कर लीजिएगा बेटा, ठीक है? चले बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, अपना बेहद ख्याल रखिएगा प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह हम फ्रीक्वेंटली रखते रहेंगे और मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ, कल तक वीडियो बन जाएगी, परसों इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगी, तब तक बेहद ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सही है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।